इतिहास का एक ऐसा राजा जिसके बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। ये बात है 54 BC की, जब रोम में नीरो नाम का एक राजा था। नीरो के बारे में कहा जाता है कि उसके अपनी माँ एग्रिपिना के साथ नाजायज संबंध थे। वो अपनी माँ के साथ सोता था। इसके अलावा वो नंगे लड़कों और लड़कियों को एक हॉल में खूंटे से बंधवा देता और जंगलियों की तरह कपड़े पहनकर उन पर कूद जाता था। नीरो अपनी सभा के मंत्रियों की पत्नी को जबरदस्ती उठा ले जाता था। यहाँ तक कि उसने वेस्टर्न वर्जिन, जो कि पूजा पाठ करती है और पुजारण होती है, उनको भी नहीं छोड़ा। नीरो ने कई शादियां की और अपनी कई पत्नियों को जान से भी मार डाला। एक बार उसने अपनी एक प्रेग्नेंट पत्नी के पेट पर लात मार दी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी सहित बच्चे की मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत का उसे बाद में पछतावा भी हुआ, लेकिन बाद में उसने अपनी पत्नी जैसे दिखने वाले एक लड़के को ढूंढा और उसे नपुंसक बना दिया, जिसके बाद एक समारोह आयोजित कर उस लड़के से शादी भी कर ली। इसके साथ ही उसने अपनी माँ की भी हत्या करवा दी थी। साथ ही उस समय रोम में लगी भीषण आग के लिए भी नीरो ही जिम्मेदार था। उसने अपने महल के विस्तार के लिए आग लगवाई थी, जिससे रोम में भयानक आग फैली, जिसके बाद नीरो ने इस आग का आरोप ईसाइयों पर लगा दिया और ईसाई लोगों को फांसी दी गई, जंगली भेड़ियों के सामने डाला गया, रात में उनको जिंदा जलाया गया और ये नजारा देखने के लिए जनता को इकट्ठा किया जाता था। नीरो ने अपने शासन में कई निर्दयी काम किए, लेकिन अंत में नीरो ने आत्महत्या कर ली। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानोगे जो आपको वाकई हैरान कर देंगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, दोस्तों आज जिस 9 से 5 की नौकरी से लोग नफरत करते हैं, एक टाइम पे इसी 8 घंटे की नौकरी को पाने का लोग सपना देखते थे। सुनकर आपको हैरानी होगी, पर 18वीं और 19वीं सदी में फैक्ट्री वर्कर्स 18-18 घंटे काम किया करते थे। वर्कर्स फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट से इतना नहीं मरते थे जितना वर्क प्रेशर के तनाव से मरते थे। इसी वर्किंग कल्चर के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई थी एक ब्रिटिश सोशलिस्ट रॉबर्ट ओवेन ने, और उन्होंने ही 8 घंटे की शिफ्ट का आइडिया पहली बार दुनिया के सामने रखा था। पर कोई भी आइडिया एक अच्छा आइडिया तभी कहलाता है जब कोई उसे इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उस समय लगभग सभी लोगों ने इस आइडिया से इनकार कर दिया था। लोगों का मानना था कि ऐसा करने से प्रोडक्शन में कमी आएगी और फैक्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन एक आदमी थे जिसने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। वो व्यक्ति थे हेनरी फोर्ड। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में 9 से 5 वर्किंग आवर्स को इंट्रोड्यूस किया। सबको उस समय लगा कि ये बहुत ही गलत डिसीजन है और लोग हेनरी फोर्ड की आलोचना करने लगे, पर सबके मुंह तब बंद हुए जब 2 साल के अंदर ही फोर्ड इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट डबल हो गया। ये देखकर बाकी के वर्कर्स ने भी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में 9 से 5 वर्किंग आवर्स की डिमांड करी और बहुत ही मेहनत मशक्कत के बाद ये डिमांड पूरी की गई और इसे एक यूनिवर्सल जर्नल नॉर्म बना दिया गया। तो अगली बार अपनी 9 से 5 वाली नौकरी को गाली देने से पहले एक बार उस 18-18 घंटे वाली मजदूरी को याद कर लेना। नंबर 2, डॉक्टर्स हैरान रह गए जब इस लड़की की टांग को काटने के बाद वो दोबारा उगना शुरू हो गई। दरअसल मेंडी नाम की इस लड़की को पैदा होने के साथ ही एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी टांगों का साइज बहुत बड़ा था। जैसे जैसे मेंडी बड़ी होती गई, उसकी टांगे भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई। जब मेंडी 7 साल की हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी टांगे अब काटनी पड़ेगी, लेकिन मेंडी की मां ने इनकार कर दिया। 28 साल की उम्र में मेंडी को ब्लड क्लॉट हुआ और उसका कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। 8 हफ्ते तक बेड पर रहने के बाद मेंडी के लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ अरसे बाद मेंडी को खून में इन्फेक्शन भी हो गया और उसकी किडनी भी फेल हो गई, और फिर डॉक्टर्स को सर्जरी कर मेंडी की लेफ्ट टांग काटनी पड़ी। लेकिन डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए कि सर्जरी के 22 महीने बाद मेंडी की नई टांग वहीं से उगना शुरू हो गई जहां से डॉक्टर्स ने काटी थी। 2012 में मेडिकल साइंस ने बताया कि मेंडी दुनिया की पहली ऐसी इंसान है जिसमें अपने शरीर के हिस्से को दोबारा ग्रो करने वाला जीन्स पाया गया। नंबर 3, अब मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर फोटोज दिखाता हूँ। इस पहली फोटो में आपको महात्मा गांधी दिख रहे होंगे और साथ में एक छोटी सी बच्ची भी है, पर पता है ये बच्ची कौन है? ये है इंदिरा गांधी। अब इस दूसरी फोटो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। ये फोटो बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये फोटो भगत सिंह की है। अब ये देखो केदारनाथ मंदिर की 1860 की फोटो। ये फोटो बहुत ही पुरानी है और आज अगर देखो तो केदारनाथ मंदिर ऐसा दिखता है। अब इस फोटो में आपको कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है? हाँ, ये है APJ अब्दुल कलाम और ये इनकी कॉलेज के दिनों की फोटो है।
आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।